हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये छोटी छोटी बुनाई का डिज़ाइन। बिल्कुल आसान है बनाने में और बहुत ही प्यारा लगता है बनकर। आप इसे किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं, लेडीज़ स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, गर्ल्स के टॉप, कुर्ती, फ्रॉक, बेबी सेट में, कैप इत्यादि में डाल सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने जो फंदे लेने हैं 12 के हिसाब से लेने हैं। जैसे 12 फंदे, फिर से 12, फिर से 12, फिर से 12, ऐसे ही 12 12 करते जाएंगे। लास्ट में 4 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, आपका डिजाइन किसी भी स्वेटर में एडजस्ट हो जाएगा। टोटल हमारा ये डिजाइन जो है 8 सिलाई में बनके कंप्लीट होगा। 8 सिलाई को आपने बार बार दोहराते जाना है, तो इस तरह से प्यारा सा आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। ये रही इसकी सीधी साइड और ये रही उल्टी साइड। इसमें मैंने ये बेबी बूल ली है और 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपने 9 नंबर की सिलाई से बनाना है। पहली सिलाई सीधी साइड से बनाएंगे, पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना और धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ से डिजाइन स्टार्ट होता है हमारा। दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे, इन दो फंदों को आगे की तरफ से इकट्ठा बुनेंगे और इस फंदे को ऐसे टर्न करेंगे। साथ में नेक्स्ट फंदा लेंगे और दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन ये चार, तो यहाँ पर ये चार फंदे सीधे बुनेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक फंदा उतारा, दो उल्टे बुने, दो का एक किया आगे की तरफ से, दो का एक किया बैक तरफ से, दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे। तो ये देखें, ये यहाँ तक हमारा 12 फंदों का डिज़ाइन है। तो दो फंदे हमारे यहाँ पर घट गए हैं, तो यहाँ पर ये 10 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 फंदों का डिज़ाइन बार बार रिपीट करेंगे। फिर से देखें, यहाँ से रिपीट करेंगे एज को छोड़ के, रिपीट पैटर्न, दो फंदे उल्टे, दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे आगे की साइड से, इस फंदे को ऐसे टर्न करेंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, चार फंदे सीधे, 1 2 3 4। ऐसे ही आपने बार बार बनाते जाना है ये 12 फंदों का डिज़ाइन। और लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, इनमें 2 उल्टे रहेंगे और एक्स्ट्रा फंदा सीधा रहेगा। अब उल्टी तरफ से ध्यान दीजिए, जो फंदे ये उल्टे बुने हैं वो सीधे रहेंगे, जो ये सीधे हैं वो उल्टे रहेंगे। तो दूसरी सिलाई उल्टी साइड से, पहला फंदा उतारा, धागा पीछे रखेंगे, यहाँ पर देखें ये उल्टे बुने थे दो फंदे, तो इन दोनों को सीधा बुनेंगे, 1 2, ऊन अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, ऊन अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 फंदे हैं, यही बार बार रिपीट करेंगे। इसमें 2 सीधे रहेंगे, 4 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। फिर से देखें, 2 सीधे, 1 2, 4 उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 2 सीधे, 2 उल्टे, धागा पीछे। ये देखें, यही आपने 10 फंदों का डिज़ाइन बार बार रिपीट करना है इसी तरह से। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, 2 फंदे इसमें सीधे रहेंगे और एक्स्ट्रा फंदा है उल्टी साइड है, तो उल्टा बना लेंगे। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, तीसरी सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखें, ये 2 फंदे हैं,
ये एक लाइन नीचे जाएंगे यहाँ पर, ये देखें यहाँ, यहाँ पर सिलाई डालेंगे और एक लूप बना के लाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये जो हम लूप बना के लाए हैं इसे थोड़ा सा ढीला रखना है, लूज रखना है, इस तरह से। ऊन आगे जो फंदे हमारे घटे थे वो इस लाइन में कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हम एक्स्ट्रा उठा रहे हैं फंदे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, ऊन आगे। ये देखें यहाँ पर एक फंदा उतारा, उसके बाद देखें दो उल्टे बुने, एक फंदा उठा के बुना, दो सीधे, फिर एक फंदा यहाँ से लूप उठा के बुना, दो उल्टे चार सीधे। अब हमारे 12 फंदे हो गए हैं, देखें दो चार छः आठ दस दो 12, यही बार बार रिपीट करेंगे। दो उल्टे, ये देखें ये दो फंदे हैं, ये एक लाइन नीचे जाएंगे और एक लूप बना के लाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर से यहीं पर डालेंगे सिलाई को और एक फंदा बना के लाएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे चार सीधे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ करेंगे। लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हैं, इसमें दो उल्टे रहेंगे और एक फंदा ये सीधा रहेगा एक्स्ट्रा जो है। ये देखें ये जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से सीधे बनाने हैं और जो सीधे हैं वो उल्टे बनाने हैं। ये चौथी सिलाई उल्टी तरफ से। अब देखिए फंदे दिखना शुरू हो गए हैं, जो सीधे दिख रहे हैं सीधे बुनेंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे, ऊन अपनी साइड करेंगे, चार उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, ऊन अपनी साइड। यहाँ पर देखें ये जो लूप है इसे भी बुन लेंगे, एक दो तीन चार, ये दो फंदे सीधे, तो जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उन्हें वैसा ही बना लेंगे। तो इस तरीके से आपने चौथी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, चार फंदे उल्टे, दो फंदे ये सीधे, ये जो लूप बनाया है इन्हें अलग अलग बुन लेंगे, एक दो तीन चार, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे, एक्स्ट्रा फंदा है उसे उल्टा बना लेंगे। अब आ गए हैं पांचवी सिलाई। अब देखिए हमारा डिजाइन शिफ्ट होगा, ये जो बनाया है यहाँ पर ये यहाँ बनेगा, पांचवी सिलाई सीधी तरफ, ये दो फंदे जो उल्टे हैं हर बार उल्टे ही रहेंगे, अब ये चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, दो फंदे उल्टे, अब ये चार फंदे हैं। तो देखिए आगे की साइड से ये दो का एक करेंगे, इस फंदे को टर्न करेंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे, ऊन अपनी तरफ। यहाँ पर हमारे दो फंदे कम हो रहे हैं, देखिए रिपीट पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गए हैं, दो उल्टे से चार फंदे सीधे, फिर दो उल्टे, इन चार फंदों को बुनेंगे इस तरह से, दो फंदे बनाएंगे, ये दो को इकट्ठा बुना आगे की तरफ से, इस फंदे को टर्न किया, साथ में नेक्स्ट फंदा लिया, दो का एक किया बैक तरफ से। ये देखें इस रो में हमारे 10 फंदे हैं, 10-10 का, तो आपने ये यहाँ से लेके आज को छोड़ के यहाँ तक 10 फंदों का डिजाइन बार बार रिपीट करना। इसमें दो फंदे उल्टे बुने हैं, चार सीधे, दो उल्टे, और ये दो का एक किया है आगे की साइड से, ये बैक तरफ से दो का एक किया है। तो यही आपने 10-10 फंदों का रिपीट करना है, लास्ट में दो फंदे उल्टे रहेंगे,
और एक्स्ट्रा फंदा इसे सीधा बना लेंगे। पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना धागा पीछे, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बना लेंगे, या फिर जो सीधी साइड से आपने सीधा बुना है उन्हें उल्टा बुनेंगे, जो उल्टे बुने हैं उन्हें सीधा बुनते हुए छठी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, पहला फंदा उतारा, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, तो ये 10 फंदे बार बार यही रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट पैटर्न, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे रहेंगे और एज जो है उल्टा। ये देखें, जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही बुन लिया है। सातवीं सिलाई सीधी तरफ से पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये देखें, यहाँ पर दो फंदे जो घटाए थे पिछली रो में आप दो बढ़ाने हैं, तो बराबर के बराबर रहेंगे। तो देखें, एक लाइन नीचे आएंगे, ये जो होल दिख रहा है यहाँ पर सिलाई डालेंगे और एक फंदा बनाकर लाएंगे, हल्का सा लूज रखेंगे, दो फंदे फिर ये सीधे, फिर उसी पॉइंट पे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से लूज कर लें हल्का सा। तो देखें, यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो उल्टे हैं, चार सीधे हैं, दो उल्टे हैं और ये दो फंदे जो हैं साइड में लूप बनाए हैं। एक पहले लूप बना लिया, फिर दो सीधे बुने, फिर लूप बना लिया, तो 10 फंदे थे, अब 12 हो गए हैं। यही 12 फंदों का डिज़ाइन बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। देखें, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, दो उल्टे। आप देखें, ये दो फंदे हैं, इनके चार बनाने हैं, तो एक फंदा छोड़ के, जो एक लाइन है ये छोड़ के, इस तरह से एक फंदा बना के लाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर से उसी पॉइंट में डालेंगे और एक फंदा बना के लाएंगे। बार बार यही करेंगे और दो फंदे लास्ट में उल्टे रहेंगे, जो हमारे तीन फंदे बचेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। आठवीं सिलाई उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है वैसे बुन लेंगे, तो दो फंदे ये सीधे एज को छोड़ के, चार फंदे उल्टे, ये जो लूप बनाए हैं इन्हें उल्टा बनाना है, दो सीधे, चार फंदे उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, दो सीधे, चार उल्टे, ऐसे ही बार बार रिपीट करना है। और लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, तो दो सीधे, तो इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिए है। जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है वैसे बना ली है, जो उल्टे दिख रहे हैं उल्टा बनाएंगे, जो सीधे दिख रहे हैं सीधे बनाएंगे। तो हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो गई है, फिर से रिपीट करेंगे फर्स्ट रो से। तो आपने यही बार बार रिपीट करनी है 8 सिलाइयाँ, तो आपका डिजाइन इस तरह से बनता जाएगा। ये देखें कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और पास में घंटी का बटन है, जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।